तो बड़े अरसे के बाद हम रिव्यू करने जा रहे हैं क्यू मोबाइल की तरफ से एक हैंडसेट को, ये है M350 Pro। अब इससे पहले क्यू मोबाइल ने M350 भी निकाला था, लेकिन ये उसका नया वर्जन है। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय सस्तेफोन.com। अगर आप कोई भी मोबाइल फोन कराची की हदूद में सबसे सस्ती कीमत में बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी वेबसाइट को चेकआउट कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम विडियो वैली सरकार। इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं क्यू मोबाइल M350 Pro को। अब इससे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा क्यू मोबाइल की डिवाइसेस को रिव्यू किया करता था, लेकिन उसके बाद मेरा जो मेन फोकस है वो सैमसंग वगैरह पे ट्रांसफ़र हो गया, सैमसंग हवावे पे। तो काफ़ी अरसे बाद मैं किसी क्यू मोबाइल को रिव्यू करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे जो मिस्टर छुरा है वो तैयारी कर रहे हैं इसको ज़िबा करने में। यार मुझे कभी कभी अनबॉक्सिंग करते हुए ऐसा लगता है कि मैं एक कसाई हूँ और गर्दन काटने वाला हूँ। तो देखिए, मैं प्यार कर रहा हूँ जानवर को इस टाइम। उसके बाद ये देखिए, बड़े प्यार से ये ओके जी। और मुझे काफ़ी लोगों ने सजेशंस दी थी कि मिस्टर छुरा जो है इनको रिप्लेस करने के बजाय मैं इनके ब्लेड का अगला हिस्सा रिमूव कर लूँ, और मैंने वो कर लिया। उसके बाद इनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर हो गई है। सो मिस्टर छुरा को रिमूव नहीं किया जा रहा, ये रिटायर नहीं हो रहे। और फाइनली बॉक्स को ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। 1.3 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, सॉरी क्वाड कोर प्रोसेसर है। मैं ऑक्टाकोर कह बैठा हूँ, काफ़ी मोबाइल फ़ोन रिव्यू किए ऑक्टाकोर वाले। 2 GB RAM है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज है। उसके अलावा एंड्रॉयड मार्शमेलो है और 2.5D कर्व्ड ग्लास है। और यहाँ पर हमें जो वारंटी मिलती है वो अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगी, मार्च 2018 तक जाएगी। और आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिवाइस 5 इंचेस की नहीं है। इसकी जो स्क्रीन साइज़ है वो बड़ा लग रहा है मुझे, आई डोंट नो क्या वजह है। मैंने 5 इंचेस की डिवाइसेस को पहले भी रिव्यू किया है। और बॉक्स के अंदर फर्दर इन हमें वही सामान मिलता है जो कि क्यू मोबाइल की तरफ से मिलता है आपको नॉर्मली। काफ़ी ज़्यादा बुकलेट्स वगैरह होती हैं, पता नहीं ऐसे लिखा जा रहा होता है जैसे कोई टैंक है जिसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। कवर प्रोटेक्टर मिलता है, उसके अलावा आपको USB, आई गेस माइक्रो USB ही मिलेगी क्योंकि टाइप सी तो आपको इस रेंज में मिल नहीं सकती। तो जी हाँ बिल्कुल, USB माइक्रो USB ही है ये, ताकि आप चार्ज कर सकें या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकें। उसके अलावा आपको चार्जर मिल जाता है। अब एटलीस्ट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्योंकि 5000 mAh की बैटरी लगाई हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर मिलेगा। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन Xiaomi की तरफ से नहीं बल्कि क्यू मोबाइल की तरफ से। और यहाँ पर आपको जो चार्जर देखने को मिलता है वो है 1.5 एम्पेयर के साथ। तो ये आपको नॉर्मल जो चार्जर होता है उससे तो कुछ तेज़ स्पीड प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये कोई ख़ास फास्ट चार्जिंग नहीं प्रोवाइड करेगा। और इस 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में काफ़ी देर लगने वाली है। हैंड फ्री इस दफ़ा आपको वही मिलती है जो कि क्यू मोबाइल के साथ हमेशा से आती रही है, बस ये वाइट कलर के अंदर इस दफ़ा कर दी गई है, तो ये अच्छी बात है। फ्रंट पर कुछ और स्पेसिफिकेशन मौजूद है, 5 इंचेस का डिस्प्ले है, उसके अलावा 2 GB RAM है, 16 GB इंटरनल स्टोरेज है, 5000 mAh की बैटरी है। और इस कवर को रिमूव कर लेता हूँ, और अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो डिस्प्ले है ये किस तरह 5 इंचेस का है। ये एटलीस्ट 5.5 इंचेस का होना चाहिए क्योंकि जो साइज़ है इसका। बैक कैमरा 8 MP का है, फ्रंट कैमरा 5 MP का है। और इन दोनों कैमराज की जो क्वालिटी है वो इस मोबाइल फ़ोन के फुल रिव्यू के अंदर टेस्ट आउट हो जाएगी जो कि जल्दी अपलोड होगा। आई डोंट नो इसकी बैटरी रिमूवेबल होगी या नहीं, हम चेकआउट कर लेते हैं। ओके जी, इसकी बैटरी भी रिमूवेबल नहीं है, तो ये भी काफ़ी बमर टाइप की चीज़ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो 5000 mAh की बैटरी है ये भी रिमूवेबल होगी, लेकिन यहाँ पर बड़ा करके लिखा हुआ है नॉन रिमूवेबल बैटरी। उसके अलावा ड्यूल सिम स्लॉट्स हैं, माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट है जो कि आप 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 16 GB से ज़्यादा का मेमोरी कार्ड यूज़ करेगा। और इस मोबाइल फ़ोन को टर्न ऑन कर लेते हैं ताकि हम देख सकें कि इसका डिस्प्ले कैसा है। और जी ओके, क्यू मोबाइल का लोगो आ गया है, एंड्रॉयड आ गया है। मुझे क्यू मोबाइल का ये जो नया लोगो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोगों का टाइम बचाया जा सके। अभी भी मुझे लग रहा है ओके जी, अब मुझे समझ आई है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 5 इंचेस की स्क्रीन कैसे है। आप लोग देख सकते हैं जो स्क्रीन है वो एक्चुअल में काफ़ी अंदर करके है, उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा बेजल्स हैं। अब आई डोंट नो इसकी रीज़न क्या है, लेकिन मेरे मुताबिक इसे इसलिए किया गया होगा क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, और उस बैटरी को मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाने में भी कुछ जगह चाहिए। और क्यू मोबाइल एक बड़ा डिस्प्ले इंक्लूड नहीं करना चाहता था, यही वजह है कि क्यू मोबाइल ने एक छोटा डिस्प्ले इंक्लूड करके उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े किनारे छोड़ दिए हैं। ये किनारे इतने बड़े हैं कि आप इनके ऊपर एक जहाज़ को लैंड करवा सकते हैं।
लेकिन एनीवेज इस मोबाइल फ़ोन की जो बाकी स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर मीडियाटेक का प्रोसेसर है जो कि 1.3 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। अब इस मोबाइल फ़ोन का जो मुकम्मल रिव्यू है और इसकी जो गेमिंग टेस्ट की वीडियो है वो मैं दो सेपरेट वीडियोस के अंदर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कर लें ताकि जब भी वो वीडियोस अपलोड हों आपको उनका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, वीडियो के ऊपर मेरा फेस आ रहा होगा आप उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन उनको फिर भी मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होती तो सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल का निशान आ रहा होगा आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो आपका लाइक नंबर होगा उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। मैं एम कर रहा हूँ 350 लाइक्स इस वीडियो के लिए, अब देखते हैं कि क्या हम इस टारगेट को पूरा कर पाते हैं या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।